संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्यांश 1 से 13 तक। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुवारियों के सदृश होगा जो अपनी अपनी मशाल लेकर दूल्हे की आगवानी करने निकली। उनमें से 5 ना समझती और 5 समझदार। ना समझ अपनी मशाल के साथ तेल नहीं लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ साथ कुप्पियों में तेल भी लाई। दूल्हे के आने में देर हो जाने पर सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को आवाज आई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसकी आगवानी करने जाओ। तब सब कुंवारियां उठी और अपनी अपनी मशाल संवारने लगी। नासमझ कुमारियों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से थोड़ा हमें दे दो क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। समझदारों ने उत्तर दिया, क्या जाने कहीं हमारे और तुम्हारे लिए तेल पूरा ना हो। अच्छा तो तुम लोग दुकान जाकर अपने लिए खरीद लो। वे तेल खरीदने गई ही थी कि दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी उन्होंने उसके साथ विवाह भवन में प्रवेश किया और द्वार बंद हो गया। बाद में शेष कुमारियां भी आकर बोली, प्रभु प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो वह दिन जानते हो और ना वह घड़ी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आज सामान्य काल का 32वां रविवार है। आज माता कलीसिया सुसमाचार द्वारा 10 कुमारियों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। हम मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार के अध्याय 24 वाक्यांश 3 में हम देखते हैं कि शिष्य यीशु से सवाल पूछते हैं, हमें बताइए कि ये चीजें कब होंगी और आपके साथ तथा दुनिया के अंत का क्या संकेत होगा। इसके उत्तर में यीशु मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार के 4 दृष्टांतों को प्रस्तुत करते हैं। पहला वफादार सेवक का अध्याय 24 वाक्यांश 45 से 51 तक। दूसरा 10 कुवारियों का जो कि आज का सुसमाचार है, अध्याय 25 वाक्यांश 1 से 13। तीसरा अशर्फियों का दृष्टांत, अध्याय 25 वाक्यांश 14 से 30। और अंत में अध्याय 25 वाक्यांश 31 से 46 में जो कि न्याय के दिन का है। पार्थेनोस पति के रूप में 10 कुवारियों के लिए एक शब्द है। यीशु के समय दुल्हन दूल्हे के आगमन के लिए अपने माता पिता के घर में इंतजार करती थी। सूरज ढलने के बाद दुल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाने के लिए बारात लेकर उसके घर पहुंचता है। लेकिन इस दृष्टांत में दुल्हा देर से आता है तथा उसकी देरी का कोई भी कारण हो सकता है। 10 कुमारियां दूल्हे से मिलने के लिए तैयार थी, पर क्या वह पूर्ण रूप से तैयार थी? नहीं, क्योंकि 5 समझदार अपने साथ कुप्पियों में तेल लेकर आई, जबकि ना समझदार कुमारियां तेल लेकर जाना भूल जाती हैं। यह समझदार 5 कुमारियां जो तेल के साथ प्रतीक्षा करती हैं, यह सतर्क व सक्रिय कलीसिया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो पवित्र आत्मा के तेल को नहीं भूलती हैं। वहीं दूसरी ओर अन्य 5 मूर्ख कुमारियां जो तेल लेना भूल जाती हैं, वह उन क्रिश्चियों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो पवित्र आत्मा के तेल को भूल जाते हैं तथा आध्यात्मिक अनुभव में सोते रहते हैं। हम भी कई बार प्रार्थना व आध्यात्मिक जीवन को लेकर ठंडे पड़ जाते हैं, उन 5 मूर्ख कुमारियों की तरह आचरण करते हैं। इस दृष्टांत द्वारा यीशु हमसे भी यही पूछते हैं, क्या हम यीशु से मिलने को तैयार हैं? क्या हम पवित्र आत्मा रूपी तेल से स्वयं के आध्यात्मिक जीवन रूपी मशाल को जलाकर रखते हैं? हम याद रखें
कि जागते रहने का अर्थ नहीं सोने से नहीं है, परंतु तैयार रहने से है। यीशु कई बार हमसे जागते रहने, तैयार रहने तथा प्रार्थना करते रहने को कहते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो यीशु स्पष्ट शब्दों में हमसे कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमें मूर्खता का त्याग कर समझदार बनना है। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर यीशु द्वारा उन सबों को जो सोए हुए हैं अपने पास ले जाएंगे। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हम देखते हैं कि संत पौलुस हमसे कहते हैं, तुम जानते हो कि ये कौन सी घड़ी है, नींद से जागने का समय आ गया है। हमें तैयार होकर विश्वास के रूप में उसकी प्रतीक्षा करना है। पहले पाठ में हमने सुना है कि जो प्रज्ञा की ढूंढते हैं तो उसे पाते हैं। यहां सुसमाचार में हमें तैयार रहने अर्थात समझदार व विवेकी बनने को बुलाया जाता है। हमें आखिरी समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यीशु हमसे कहते हैं कि वो समय चोर की तरह आएगा। मशाल हमारे विश्वास का प्रतिरूप है जो हमारे जीवन को आलोकित करता है, तथा तेल हमारे प्रेम का प्रतिरूप है जो हमारे विश्वास रूपी मशाल को प्रकाशमय और विश्वसनीय बनाता है। बुद्धिमान या समझदार कुमारियां पवित्र आत्मा के तेल से प्रज्वलित होकर अपनी मशाल के साथ यीशु की प्रतीक्षा करती हैं। केवल विश्वास ही नहीं बल्कि आपसी प्रेम भी ईश्वर से मिलने के लिए जरूरत है, क्योंकि बिना प्रेम के विश्वास खोखला है। इसलिए यदि हम स्वार्थी बनकर जीवन जीते हैं तो हमारी दशा भी मूर्ख कुंवारियों की तरह होगी। दुल्हा कभी भी आ सकता है, इसलिए हम दैनिक जीवन में प्रेम से दूसरों की सेवा करते रहें, भले व परोपकार के कार्य करते रहें। याद रहे कि विश्वास प्रेम को प्रेरित करता है तथा प्रेम विश्वास रखता है। धन्य कुमारी मरिया हमारी सहायता करे ताकि हमारा विश्वास कार्यान्वित हो तथा हमारा जीवन यहाँ धरती पर और फिर हमेशा के लिए स्वर्ग में विवाह भोज में प्रकाशित होता रहे। आमीन।